बिलासपुर जिला में 3 चरणों में हुए पंचायत चुनावों के परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है। जिला परिषद मीटिंग हॉल में आयोजित शपथ समारोह के दौरान बिलासपुर उपायुक्त रोहित चंबाल ने सभी 14 पार्षदों को गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद आगामी 10 दिनों के भीतर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव आयोजित करवाने की बात कही। गौरतलब है कि जिला परिषद अध्यक्ष पद पर महिला रिजर्व है, जबकि उपाध्यक्ष पद कोई भी दावेदारी पेश कर सकता है। इसके साथ ही 1 फरवरी को जिला परिषद का नया कार्यकाल शुरू होगा और पहली बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्बाल करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए उपायुक्त रोहित जम्बाल ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के सेक्शन 127 के तहत जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई है और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर होने वाले चुनाव की जानकारी संबंधित सदस्यों को दी गई है और जैसे ही चुनाव की तारीख तय होगी इसकी सूचना जिला पार्षदों को दे दी जाएगी। आज जो है पंचायती राज अधिनियम का जो 127 सेक्शन है उसके अनुसरण में सभी जो नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य थे उन्हें जो है ओथ दिलाई गई है और सभी 14 के 14 सदस्यगण जो हैं यहाँ पे मौजूद रहे और उनको विधिवत रूप से जो है हमने ओथ दिलाई है और आने वाली जो अगली प्रक्रिया है उसके बारे में भी इनको सूचित किया गया है और जो अब अगला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव होना है उसके लिए अलग से तिथियां और स्थान निर्धारित किया जाएगा और समय रहते सभी को सूचित किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए रिजर्व है सर, इस बार महिला के लिए? जी, महिला के लिए रिजर्व है, बाकी उपाध्यक्ष तो ओपन है।